रावलपिंडी टेस्ट में भी पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लैंड की आधी से ज्यादा टीम 118 रन पर पवेलियन लौट गई। साजिद खान की 4, नुमान अली की 2 विकेटें। जैक रोली 29, जो रूट 5, ओलीपॉप 1 और हैरी ब्रोक 5 रन बना सके। बेन डकेट की सेंचुरी। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान स्टॉक में नई तारीख रकम, 88,000 की सतह उबूर। 100 इंडेक्स में 1,040 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 88,234 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्पेशल जज सेंट्रल ने बुशरा बीबी की रिहाई की रोक का जारी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी की 20 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को आज 3 बजे अदालत लाकर वकला से मुलाकात कराने का हुक्म। तौहीन अदालत केस में जस्टिस सरदार एजाज एसाक ने सुपरिंटेंडेंट जेल को मुखातिब करके कहा, मुझे मालूम है आप मेरे हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेंगे। सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी पीटीआई को नहीं लेकर आए तो कल अदालत को मुतमईन करना होगा। स्टेट काउंसिल ने मौकफ अपनाया। पंजाब हुकूमत ने अमनो अमा की सूरत हाल के पेश नजर जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है। जस्टिस एजाज ने कहा, जिसने ये नोटिफिकेशन किया उसने भी तौहीन अदालत की। पंजाब हुकूमत ने वकला की मुलाकात रोकी तो तौहीन अदालत की है। वजारत दाखला रिपोर्ट जमा कराए कि क्या सिक्योरिटी वजूहत थी। छब्बीसवें आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तेदा। अरकान पार्लियामेंट ने वोट रजाकाराना दिए या दबाव डाला गया। तहकीकात कराने की अपील। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया। अदलिया की आजादी आइन का बुनियादी ढांचा है। आइनी तरमीम को अदलिया की आजादी के खिलाफ करार देकर इसे खारिज किया जाए। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का खसूसी बेंच में बैठने से फिर इनकार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक और खत लिख दिया। कहा, पहले भी लिखा था तर्मीनी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी तहरीर किया। जब सियासतदान अवामी फराइज की खातिर जमीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उमरे के लिए रवाना होंगे। कल चीफ जस्टिस खाजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। मुझे नहीं मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, मौलाना और अपोजिशन के बगैर भी नंबर्स पूरे थे। हम अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे लेकिन मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना था, इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं चाहते थे। आईनी अदालत को जो इख्तियार देना थे फौजी बेंच को दे दिए। 9 मई को फौजी अमलाक पर हमला किया गया। हुकूमत चाहती थी फौजी अमलाक पर हमला करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। लोगों ने काला सांप के तसव्वुर को मिलिट्री कोर्ट से जोड़ा। लोगों ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की। आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज की तरमीम करने जा रहे थे जिसे काला सांप बना दिया गया। जस्टिस मंसूर थे ना चाहे साहब की जमात के तो। खैर, हमने तो शुरू में उन्हीं का रखा था और हमारे जहन में यही था। तो बहरहाल हमने ये कहा था कि ना छेड़ा जाए, मंसूर साहब को रखा जाए। और पीपल्स पार्टी ने कहा था कि एग्री किया था आपसे। तकरीबन सब एग्री थे इस पे। हुकूमत से कहा था जस्टिस मंसूर को ही चीफ जस्टिस नामजद करें। हुकूमत और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने इसे तस्लीम किया। कमेटी में सब क्यों बदल गए, क्या मजबूरियां थी ये इनसे पूछें। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गौरी कहते हैं, पीटीआई को हतमी मुसव्वदे में 4 चीजों पर एतराज था, 2 हमने निकलवा दी। हुकूमती मुसव्वदे से इतना कुछ निकाल दिया आप तसव्वुर नहीं कर सकते।
हमने फौजी अदालतों जजों की उम्र हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफर के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पार्लियामेंट से खत्म कराने जैसी तरामीम रोकी। हमने कहा इदारों को इतना मजबूत बनाए कि मुल्क में जम्हूरियत बाकी रह जाए। सेनेट अमले को जदोकोब करने का इल्जाम, बीएनपी सबरा अख्तर मेंगल और रहनुमाओं के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। एफआईआर में दहशतगर्दी समेत 7 दफा शामिल। मुकदमा ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन जमील अहमद की मुद्दईत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है अख्तर मेंगल समेत दीगर साथियों के पास असलहा भी मौजूद था। जनरल कायस साहब का जो है जो मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुका है, मुझे कम से कम नहीं पता कि कोई ट्रायल वगैरह जो है कोई शुरू नहीं हुआ। तो उनको तो इंक्वायरी के लिए जो उसके लिए लिया गया हुआ है, अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होता है तो मिलिट्री कोर्ट्स में जाना, यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हुआ है। फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। फैज हमीद का केस अभी इंक्वायरी के मरहले में है। तंसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलना चाहिए। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। वजीर दफा ने मजीद आईनी तरमीम का इशारा दे दिया, कहा आईनी तरमीम का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था उस पर अमल दरामद रह गया, इसके लिए तैयारी करना होगी, इत्तफाक़े राय पैदा करना होगा। पीटीआई का इख्तलाफ था मिलिट्री कोर्ट्स न बने, जस्टिस काजी फाइज ईसा को तौसी न मिले, हमने दोनों बातें मान ली। पीटीआई अरकान तरमीम पर आमादा हो गए थे, बानी से मुलाकात के बाद उन्होंने इनकार कर दिया। पार्लियामानी कमेटी मेंबरान ने किसी जज के बारे में कोई मनफी बात नहीं की। आईनी तरमीम के दौरान राब्ते में ना रहने वाले दो पीटीआई सेनेटर्स को शोकॉज नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ ने राब्ता खत्म करने पर वजाहत मांग ली, 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। गुज़श्ता रोज पीटीआई ने 4 अरकान कौमी असेंबली को नोटिस जारी किए थे। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर कर्ज देगा। वॉशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और ITFC में मुलाकात के बाद ऐलामिया जारी कर दिया गया। कर्ज की रकम 3 साल में फराहम की जाएगी। पहले मरहले में 27 करोड़ डॉलर की रकम दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक में नई तारीख रकम 88,000 की सतह उबूर। 100 इंडेक्स में 840 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 88,034 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान पर मजमूई कर्जे में 258 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। मईशत में कर्जों का हिस्सा 69% हो गया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का AFP को इंटरव्यू, कहा तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं, उन पर टैक्सों का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। सनती शोभा भी टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद को पहुंच चुका। रियल स्टेट और रिटेल सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। सरकारी कॉरपोरेशन में चोरी रोकना होगी। CIA की निचकारी नवंबर में कर दी जाएगी। वजीर खजाना की मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर मुमलिकत बराए मालियाती उमूर से मुलाकात। इमाराती कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड की टीम मुश्किलात का शिकार। आधी टीम 99 रन्स पर पवेलियन लौट गई। साजिद खान की 3, नौमान अली की 2 विकेटें, बेन डकेट ने नेक्स्ट सेंचुरी स्कोर की। 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची के जिला कोरंगी में गली मोहल्ले और शाहराहों के बाद अब थाने भी गैर महफूज। कोरंगी थाने आने वाले शहरी की बाइक चोरी हो गई। मुतासरा शहरी ने बताया दोस्त के साथ थाना कोरंगी तफ्तीशी अफसर से मुलाकात के लिए आया था। पुलिस का कहना है थाने की CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की निशानदेही की जाएगी। जराये के मुताबिक कोरंगी थाने के CCTV कैमरे कई माह से खराब हैं। बहुत रौनक हो रही है। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे आप इतना ज्यादा फन देख पाते हैं। इट वॉज अ वेरी बिग एफर्ट आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान की तरफ से। मज़ेका खेज पहलुओं में दानाई की बातें, आलात मौसीकी का दिलकश मुजाहरा।
कराची वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में अंग्रेजी अदब के मकबूल तरीन मुसन्निफ शेक्सपियर के फूल किरदारों ने मेला लूट लिया। जर्मनी और पाकिस्तान के फनकारों की मुश्तरका परफॉर्मेंस से मोहब्बतों की खुशबू महकती रही।